मैं हूँ मुबारक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। कायम खानी समाज के पितृपुरुष नवाब कायम खां का 601वां शहादत दिवस फतेहपुर शेखावाटी के होटल रॉयल पैलेस में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर दुआए मगफिरत, फल, सब्जियां, राशन, परिंदे एवं पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज खान की अध्यक्षता एवं मौलाना इस्लाम साहब की सरपरस्ती में ब्लॉक CMHO डॉक्टर दिलीप कुलहरी, सदर थानाधिकारी आलोक पूनिया, RLP प्रवक्ता महिपाल महला, पत्रकार प्रियवर जोशी, इस्लाम खां फतेहपुर, युवा जाट महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र कीचड़, बालाजी एजुकेशन ग्रुप के धर्मपाल मील, कॉमरेड आबिद हुसैन, डॉक्टर असलम नूर खां, तैयब मेहराब खां, महेंद्र थालोड, सतपाल थालोड, आरिफ ताकल सर, अभिषेक जोशी, असलम खां समाज सेवी, आसिफ जलाल सर, रशीद खां बीचरी, मुशाहिद गोरी, हिदायत खां गारिंडा, यूसुफ खां रसूलपुर, निजाम खां दाडुंदा, अरशद गारिंडा, आरिफ सोलंकी, इकबाल महामंत्री, कॉमरेड इस्माइल खान, मुबारक खां मांडेला, शाहरुख मांडेला, आबिद खां गारिंडा, तस्लीम मांडेला, यूसुफ खां हितम सर, हसन खां लाउंडा, ताज ग्लोबल एकेडमी के डायरेक्टर जुबेर खां जाजोद, रामगढ़ के इमरान गुटिया, महेंद्र जानी, मेघराज मारवाड़ी, शरीफ चौहान, मोहम्मद बिलाल, दिनेश कुमावत, अब्दुल्ला रामगढ़, टीम गाजी के इमरान मांझी, विकास नोहवाल, रमजान थाकल सर, मोहम्मद अली खां मोमिनपुरा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन मुबारक अली जाजोद ने किया। आइए जानते हैं सर्व समाज के लोगों ने नवाब कायम खां को किस अंदाज में श्रद्धांजलि दी। पहले तो नवाब कायम खां को उनकी पुण्यतिथि पर नमन और धन्यवाद राज खान साहब को जो इस कार्यक्रम को लगातार चला रहे हैं। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये लोग राशन सामग्री, फल वितरण, मास्क, सैनिटाइजर वो सब जगह वितरित कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने पौधारोपण, गायों के लिए चारे की व्यवस्था और सबके लिए राशन सामग्री भिजवाई है, तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और असली पुण्यतिथि यही होती है कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करें, अपने से जितना हो दूसरों की हेल्प करें, तो यही इन्होंने एक संदेश दिया है। सबसे पहले दादा कायम खां डे पर आदरणीय राज खान जी द्वारा जितने भी प्रदेश के कोने कोने में जो गाड़ियाँ आज फल वितरण, पौधा वितरण, परिंडे वितरण, सब्जी वितरण में जो जा रही हैं और जो टीम के साथी लेके जा रहे हैं, दादा कायम खां के शहादत दिवस पे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो टीम सहकुशल वापिस लौटे, क्योंकि इस समय जब लोग अति जरूरी काम जब होता है तभी घरों से बाहर निकलते हैं, ऐसी इस विषम परिस्थिति में सोशल वॉरियर के रूप में जो KTC में काम करने वाली टीम है, जो लास्ट पाकिस्तान बॉर्डर बाड़मेर तक भी जो यहाँ से गाड़ी लेके जाएगी और जो साथी इसमें निस्वार्थ भाव से जाएंगे, स्वभाव सी बात है कि वो अपनी जान जोखिम में डाल के और जन सेवा के लिए निकल रहे हैं। तो इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सहकुशल वो टीम वापस लौटे और जो पुण्य का काम पिछले लंबे समय से और विशेष तौर से इस लॉकडाउन में अलग अलग माध्यमों से, चाहे कभी वो फल वितरण हो, चाहे बेजुबा पक्षियों के लिए परिंडों का वितरण हो, चाहे गायों के लिए चारे की व्यवस्था हो, चाहे असहाय और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सूखे राशन सामग्री का वितरण हो या फिर और अन्य अन्य तरीकों से ज़रूरतमंदों की मदद करने का काम हो, राज खान जी ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है। और जिन वॉरियरों की हम बात करते हैं, चाहे वो पुलिस के साथी हैं, चाहे नर्सिंग कर्मी हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे डॉक्टर्स हैं या फिर और अन्य इस आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले वॉरियर हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उन वॉरियरों से हमारे राज खान जी कम नहीं हैं। आपके सारे साथी जो जान जोखिम में डाल के और पिछले 90 दिन से लगातार 24 घंटे 36 घड़ी ज़रूरतमंदों के लिए काम कर रहे हैं और अब भी आप लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आपको हरी झंडी दिखा के प्रदेश के अलग अलग कोणों में जो भेजा जाना है। और राज खान जी से ज़्यादा धन्यवाद उन लोगों को देना चाहता हूँ मैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के और प्रदेश के अलग अलग कोणों में पाकिस्तान बॉर्डर तक भी रसद सामग्री, परिंडे, फल वितरण, सब्जी वितरण और तमाम एसेंशियल सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं, मैं दिल से राज खान जी आप सारे साथियों को सल्यूट करता हूँ। आप वो शख्सियत हैं असलम खान जी, भीतरी समाज से भी, जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में यहाँ से बाड़मेर जाएंगे। असलम खान जी, बहुत जोखिम भरा निर्णय लिया आपने। देखो, हमने ये जिंदगी है किसी के काम में आ जाए, और जब मुझे राज खान ने परसों मुझे फ़ोन किया कि आपको बाड़मेर जाना है, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत दिल को एक खुशी मिली कि मुझे एक नेक काम के लिए मुझे ही चुना गया है। अल्लाह ताला किया, ये मेरे पर बहुत बड़ा करम हुआ कि मुझे इस काम के लिए चुना। और मैं राज खान का तो
आप लोगों को क्या बताऊं, उनका नाम ही राज है। जिसका नाम ही राज हो उसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरा राजस्थान नहीं, पूरा इंडिया जानता है। लोग ये कह रहे थे कि राज खान ने राजस्थान के अंदर भेजा, नहीं राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया के अंदर केरला, कोची और दिल्ली, हर जगह इन्होंने जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वहाँ पर अपना काफ़िले को भेजा और सामान का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया, जिससे लोगों को राहत मिली। और लोग क्या कहेंगे, उनकी ज़ुबान क्या कहेगी, उनका दिल कहेंगे, जो सुकून से जब उनका पेट भरेगा तब वो सुकून से और दिल से दुआ देंगे। और मैं भी राज खान को अपने दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और उनके कारोबार में बरकत दे। फतेहपुर शेखावाटी के लगभग सभी गांवों में और बाड़मेर में जहाँ ख़ास तौर से डिमांड आ रही थी, वहाँ अजमेर के लिए, कई जगह के लिए राशन के सामान की और ज़रूरत के सामान की गाड़ियां अभी रवाना होंगी। और लोकल स्तर पर परिंदे लगाने का कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं पौधारोपण का कार्यक्रम है, वो आयोजित किया जाएगा सभी गांवों में लगभग और शहर में, रामगढ़ शेखावाटी में, फतेहपुर शहर में। हमारे साथ तैयब खान जी है, सामाजिक कार्यकर्ता फतेहपुर शेखावाटी। राज खान जी के द्वारा, KTC फाउंडेशन के द्वारा आज का जो प्रोग्राम रखा गया है दादा कायम खान की शहादत के दिन पर, वो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। इन्होंने मानवता का बहुत अच्छा संदेश देते हुए मानवता हित के लिए बहुत अच्छा काम इन्होंने आज इस दिन पे रखा है। यहाँ से बाड़मेर के लिए, अजमेर के लिए, तमाम राजस्थान के लिए इन्होंने राशन सामग्री यहाँ से भिजवा रहे हैं। और पौधारोपण का इनका प्रोग्राम है, साथ में परिंदे पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने रखा है। तो मैं इनको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस समय के अंदर जो ये संकट का काल चल रहा है, इसके अंदर इन्होंने आगे बढ़कर के जो काम इन्होंने किए हैं, पहले दिन से, जब से कोरोना का संकट जब से चालू हुआ है, लॉकडाउन जब से हुआ है, तब से पहले दिन से राज खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट डे से इन्होंने राशन बंटवाना शुरू किया था फतेहपुर के और चूरू के, राजस्थान के तमाम ज़िलों के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। सब्जी की रोज़ एक पिकअप जो है फतेहपुर तहसील में आया करती थी, सुबह सुबह बच्चे फ़ोन किया करते थे, भाई साहब आपके मोहल्ले के अंदर जो है गाड़ी आई है, कोई गरीब मजबूर आदमी हो, कोई ज़रूरतमंद हो तो आप मुझे बताइएगा। तो ये रोज़ का काम था, ये मेरे पास ही फ़ोन नहीं आया करता था, ये फतेहपुर नहीं पूरे राजस्थान के अंदर तमाम जगह पर लोगों के पास फ़ोन कर करके पूछते थे कि आपके आसपास में कोई ज़रूरतमंद है तो आप हमें बताइए, हम मदद पहुंचाएंगे। बहुत कायम खान दिवस समारोह फतेहपुर शेखावाटी में KTC फाउंडेशन की तरफ से मनाया जा रहा है, होटल रॉयल पैलेस सालासर रोड से आप देख रहे हैं। हमारे साथ धर्मपाल जी मील, डायरेक्टर बालाजी शिक्षण संस्थान नगरदास से हैं। तथा नाम वैसा काम, इनका नाम जैसे राज खान है, ये काम राज भी नहीं कर सकती। जो काम राज खान जी कर रहे हैं पूरे राजस्थान में, पौधारोपण है, राशन किट है, पौधे लगाना है, परिंदे लगाना है, ये कार्य बड़ी से बड़ी सरकार से होना बड़ा मुश्किल होता है, जो राज खान जी कर रहे हैं। सदर थाना अधिकारी आलोक जी पूनिया अभी जस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो हरी झंडी दिखाकर इन सारी गाड़ियों को रवाना करेंगे। एक दर्जन से अधिक ये गाड़ियों का काफिला अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना होगा, जिले सीमावर्ती जिलों के लिए, अजमेर और बाड़मेर के लिए भी यहाँ से गाड़ियाँ रवाना होंगी। मुशाहिद गौरी साहब फतेहपुर शहर से सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच हैं। मैंने पहले भी जैसे कहा कि राज खान माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके लिए शब्द कम पड़ते हैं इनकी तारीफ के लिए, जबकि इनका अपना कोई ऐसा वो स्वार्थ नहीं है उसके बावजूद, और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी सोचा इन्होंने और ज़मीन से लेकर आसमान तक सारी बातों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे, कामयाबी दे, इनकी कंपनी को बहुत शीर्ष पे ले जाए और बेहतरीन से बेहतरीन ये काम जो कर रहे हैं इनमें हम सब शरीक हैं और इनके साथ साना बसाना कंधे से कंधा मिला के जो है इंशाल्लाह काम करेंगे और खूब। आज कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित किया गया और पत्रकार प्रियवर जोशी, RLP के राष्ट्रीय प्रवक्ता महिपाल मेहला जी, ब्लॉक CMHO श्रीमान दिलीप, डॉक्टर दिलीप कुलहरी साहब, ये सब के सब तशरीफ फरमा थे। और जो KTC का जो एक चल रहा है सिस्टम, वो पूरे मतलब देश को ये सीखने लायक वाला काम है, क्योंकि इन्होंने हर गांव में, हर डाणी में, हर शहर में सुविधा दी है। लॉकडाउन के माध्यम से सारे लोगों से इन्होंने एक एक समस्याओं का इनका सामना किया है, उसकी समस्याओं का समाधान भी किया है। कुछ लोग थे जो नहीं आए फूल के मैदान में, लेकिन KTC के जो फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राज खान जी साहब ने
जो बहुत ही बड़े दिल के इंसान है, उन्होंने पूरी ये चीज़ साबित कर दी है कि आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए। केटीसी के मालिक हैं राज खान जी, ये मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ कि तहसील में ही नहीं, पूरे राजस्थान में भी, अदर स्टेट में भी खूब राज सामग्री कोरोना के टाइम पिछले 3 महीने भी दे रहे हैं, आज भी भेज रहे हैं, आगे भी पेड़ पौधों के लिए भी ये कह रहे हैं, पीछे भी गायों को तरबूज और कोई चारा वगैरह सब प्रकार में पशु पक्षियों को दाना वगैरह हर चीज़ हर प्रकार से राज सामग्री 3 महीने से कंटिन्यू दे रहे हैं। मैं इनको लिए आभार व्यक्त करता हूँ, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सम्मान के वास्तविक हकदार हैं ये, और मैं मेरे थाने की तरफ से मेरी तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएँ, हमेशा इसी समाज के लिए इसी प्रकार काम करते रहें। वक्त इस्लाम जी हैं, महिपाल जी हैं, जो भी अपने यहाँ जो भी आए, जिसने भी टाइम निकाला है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, 2-3 जगह आज रक्तदान शिविर भी है दादा के कायम खा के उनके पुण्यतिथि पर, तो मैं वहाँ भी जाके आया हूँ और यहाँ भी ये तो राज खान जी तो करते रहते हैं, इनका तो मैं खुद ही परेशान हो रखा हूँ, तीसरे दिन आज तो इसलिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ करते रहें, मैं मेरी जगह और कोई भी आए जब भी बुलाएंगे। जो काम दादा कायम खान किए थे, जो पद चिन्ह जो मार्ग उन्होंने बताया था, कुछ उन्हीं मार्ग का अनुसरण करते हुए, कुछ उन्हीं के कार्यों को अपने जीवन में अपनाते हुए, कुछ उन्हीं की शिक्षाओं को उनके हुए बताए हुए मार्ग उद्देश्य को लेकर। उदाहरण आपके सामने है, जब राज खान जी आए थे यहाँ सक्रिय रूप से सामाजिक सेवा में, तो बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें की थी कि कुछ नहीं पानी का बुलबुला है, कुछ समय में करके चले जाएंगे, पुराने लोगों के उदाहरण दिए गए, कुछ लोगों ने कहा नहीं चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं, चुनाव ही चला गया, उन लोगों की जुबान भी बंद हो गई और दिन दोगुनी रात चौगुनी। आपने पिछले 5-6 साल में मैंने आपको देखा है बहुत बारीकी से, हर तबके के लिए आपने जो काम किया है, मुझे ये लगता है कि उन लोगों की दुआएं आपके साथ है कि आप लगातार आपके काम में निरंतर रूप से आप सक्रियता निभाते हुए उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और इस समय जब लोग घरों के अंदर दुबक के बैठ गए थे, उस समय आपने बाहर निकल और ऐसा है लोगों की मदद करने का बेड़ा उठाया काफ़ी हद तक। हो सकता है कि कुछ लोग आपके भी हमारे भी विरोधी हों, कौम के भी विरोधी हो सकते हैं, कुछ लोग उनकी बात को छोड़ के, बाकी बहुत बड़े तबके ने, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हैं या अन्य बिरादरी के लोग हैं, सब ने आपकी पीठ पीछे तारीफ करने का काम किया, क्योंकि इसमें निस्वार्थ रूप से आपने ये काम किया है। जो और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक सामान्य घर में पैदा होने वाला राज खान आज सीकर चुरू झुंझुनू की हम बात करें, यहाँ 3 सांसद हैं, 3 जिला प्रमुख हैं, 21 विधायक हैं, 21 हारे हुए विधायक हैं, उनकी उतनी चर्चा नहीं होती जितनी सेखावटी ने आपकी होती है। कि आपने जो बेड़ा उठाया है, शायद कोई बिरला आदमी होगा, बहुत सारे बिजनेस क्लास लोग भी हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन भी हैं, पैसों की भी कोई कमी नहीं है, पर खर्च करने के लिए एक आदमी की लिमिट होती है कि मैं यहाँ इतने रुपये खर्च करूँगा। आपने तो दिल खोल के 24 घंटे और 36 घड़ी किसी व्यक्ति ने आपको याद किया, आपने उसको कभी ना का उत्तर नहीं दिया, चाहे वो छात्र बिरादरी हो, चाहे मजदूर बिरादरी हो, चाहे किसान बिरादरी हो, चाहे सामाजिक रूप से और दबा कुछ लवर को, हर वर्ग की बात को आपने सीरियसली सुना है और उसके लिए आपने काम करने का काम किया है। मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ और आप सारे साथियों ने मुझे जो मान सम्मान दिया, आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद अर्पित। कमी रह जाती है, कहीं लीकेज सीपेज होता है, पानी आ जाता है, कहीं छत से पड़ जाती है, कहीं और दिक्कतें आती हैं, इन्होंने आके देखा है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड से काम करवाते हैं, जैसा कि आपके सामने काफ़ी उदाहरण है, इन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब ये आपकी जो बिल्डिंग है इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, तो हमने कहा सर कमियाँ तो सरकारी सिस्टम में रहती हैं, हम कोशिश हमेशा करते आए, इन्होंने आगे बढ़ के हमें आश्वासन दिया कि ये सारी कमियाँ मैं खुद दूर करवाऊँगा और फिर आप देखना कि बिल्डिंगें कैसी होती हैं क्या। तो मैं खासतौर से KTC फाउंडेशन के अध्यक्ष खान साहब और समाज से पधारे हुए सभी युवा वरिष्ठजनों को धन्यवाद दूंगा। हॉस्पिटल दानुका का काम करा रहे हैं आप, तो उसमें ये तो है नहीं कि दानुका में ये रहेगा या इस विद्यालय में ये पढ़ेंगे, तो आप जो काम कर रहे हैं किसी सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं, तो हम तो जो राज खान कर रहे हैं ना वो अपने दादाजी की लीक पीट रहे हैं, और मैं इस बात से खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने हम में से कुछ ऐसे लोग पैदा किए हैं जो हमारे पूर्वजों की बातें लोगों को याद दिला रहे हैं कि हमें
हमें सिर्फ ये करना है कि जो हमारे वंशज ने क्या किया है आप उठा के देख सकते हो। शहादत की बात आती है तो अबीर गोदारा साहब बता रहे थे शहादत में 205 से ज़्यादा तो अभी तक नॉलेज में हैं जो शहीद हो चुके हैं सेकेंड युद्ध से लेके और 2017 तक का मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये 3 साल तो बाकी पड़े, उसमें 205 लोग हमारे शहीद हो चुके। ऐसा कोई कारगिल है, कारगिल में सबसे ज़्यादा शहीद होने वालों में शेखावटी के कायम खान, पूरे भारतवर्ष में कह रहा हूँ मैं आप, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा शहीद होने वाला शेखावटी का कायम खान था, उसमें भी झुंझुनू जिले के सबसे ज़्यादा। तो जहाँ कायम खान को ये तो सर्टिफिकेट ही देना है कि ये देशभक्ति है, देशभक्ति तो उसके खून में है, देशभक्ति तो उसके दादाजी के खून में थी। तो मैं एक दोस्त की पोस्ट पढ़ रहा था, वो मेरा दोस्त है लेकिन वो पूरे दिन है ना कुछ भी लिखता रहता है, तो उसमें मैंने देखा कि वो आदमी राज खान की तारीफ कर रहा है, इसके खून में सेवा करना है, ये सेवा करना अपन सबको। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो हर कौम की सोचे उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हम सहयोग तो कर सकते हैं ना, जैसे वो असलम खान जी अभी बैठे थे वो करें जैसलमेर जा रहा हूँ, तो वो बेचारे जा तो इन्हीं के काम से रहे हैं, तो अपने को सबको मिलके और इस राज खान का खूब ज़्यादा सपोर्ट करना है, और ऐसे और भी लोग हों जो मानव सेवा के लिए हैं उन सबका सपोर्ट करें। बहुत अच्छा काम है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा खान साहब का कि उन्होंने इस नेक दिन पर टाइम डे पर ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। आज पूरे राजस्थान में योम शहादत पर जगह जगह ये जो शानदार प्रोग्राम कायम खानी कौम के लोगों ने किया है उन सब का मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ। 7-8 जगह तो ब्लड डोनेशन कैंप हैं और एक बहुत ही ऐतिहासिक काम आज सिक्कर कायम खानी हॉस्टल में नींव लगी है संगे बुनियाद हॉस्टल नई हॉस्टल के कमरों के लिए, और यहाँ पर जो ये प्रोग्राम फतेहपुर में राज खान साहब ने किया है वो भी एक तारीखी काम है। इसके अलावा चूरू राजगढ़ सुजानगढ़ लाडनू सब जगह जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, और ये हमारी कौम के लिए और कौम के रोशन मुस्तकबिल की एक आहट है कि हमारी कौम जो है अपने जो अपना अपनी तारीख है उसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आगे ले जाने की जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी कौम के लोगों को। और जिन लोगों ने ये दादा कायम खान डे पर जिन लोगों ने सहयोग किया सर्व समाज के लोगों ने उन सब का शुक्रिया कि आप लोगों ने हम लोगों की। राज खान के बारे में बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो हमारे इस क्षेत्र में हर क्षेत्र में इन्होंने बार बार आगे आकर के हर क्षेत्र में काम किया है, जैसे शिक्षा में सामाजिक सरोकार में सब में, और आज ये कायम खान डे के अवसर पर इन्होंने जो पौधारोपण परिंदा और जो फल सब्जियों का जो इनका जो वितरण किया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, और इनका सोशल वर्कर देख करके हम इनसे बहुत प्रभावित हैं कि वास्तव में हमें निस्वार्थ भाव से इन्होंने जो हमारी कौम की और सभी सर्व समाज की जो सेवा कर रहे हैं इसके लिए हम बार बार इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसी प्रकार ये कौम के फिक्रमंदी के तौर पर आगे आते रहे और हमारा हौसला अफजाई और हमारी खिदमत करते।